दसवीं के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको हिंदी का जो 5 फरवरी के लिए वो बहुत ही बेहतरीन सा इम्पोर्टेंट पेपर बताऊंगा, जो कि परीक्षा हाल में देखने को मिलेगा। अब भर भर के आपको यहाँ पर यूट्यूब में ये से रियल पेपर देखने को मिलेंगे। ये बोलते हैं कि रियल पेपर है साहब, ये आपका रियल पेपर आ गया, इस तरह का बताएंगे। कई लोग ये सेट बी बता देंगे, कई लोग सेट सी बताएंगे, कई लोग सेट ए बताएंगे। भैया रियल पेपर किसी के पास भी नहीं, सभी लोग एक का दो लगा रहे हैं, ठीक है। भरोसा हो तो देख लो, नहीं तो वही रियल पेपर के लफड़े में पड़े रहो और बर्बाद कर लो खुद को, ठीक है। मैं ऐसी चीज़ें बताऊँगा कि जो आपके काम की है और आएगी ही आएगी, है ना। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें, आप जरूर एक बार आप 5 मिनट में कोई बर्बाद नहीं हो, ना जाने कितने वीडियो आपने रियल के नाम से देख लिए होंगे, एक बार इनको देख के जाओ और फिर आगे मिलान करना है, ठीक है। तो चलिए, सेट डी है आपका। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? डुमराव में हुआ था। शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है। मैं क्यों लिखता हूँ, इसके लेखक का नाम क्या है? अज्ञेय है, ठीक है। बिहारी किस काव्य धारा के कवि है? तो रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है कुकर मुत्ता। रसात्मकम वाक्यम काव्यम की परिभाषा है विश्वनाथ की। यहाँ से अपन बात करें आगे की, तो संधि के 3 भेद माने गए हैं। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर धोपी गई कवितावली तुलसीदास जी की रचना है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अपन अलंकार कहते हैं। समाज जो होते हैं 6 प्रकार के होते हैं। बिस्मिल्लाह खां बालाजी के मंदिर में रोजाना सजना ही बजाते थे, ठीक है। यहाँ से अपन जोड़ी की बात करें तो ये जोड़ी है आपकी, भर लीजिएगा, बढ़िया से कंप्लीट करो, पढ़ो ऐसे कि बिल्कुल, ठीक है, नंबर भड़ा भड़ आए। यानी कि ऐसी तैयारी करो कि कम समय में ज़्यादा नंबर आए, तो वो ये इन्हीं में से ये पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले पेपर मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? शब्द गुण होते हैं 3 प्रकार के, ठीक है। कोई दो लोकोक्तियाँ लिखिए, मन चंगा तो कटौती में गंगा, और 100 सुनार की और 1 लोहार की। अज्ञेय ने हिरोशिमा कविता कहां पर बैठ के लिखी? जिन बच्चों को भरोसा है वही देखेगा, बाकी बच्चे ऐसे मत देखिए जिनको वास्तव में रियल पेपर ही चाहिए। बेटा रियल पेपर किसी के पास नहीं मिलेगा, बार बार बता बता के मैं थक गया हूं हर वीडियो में, ठीक है। इन बच्चों की तरह यदि वास्तव में टॉपर बनना है और भरोसा रखो, ऐसे बच्चे जुड़ो, 100 बच्चे जुड़ो भले ही, पर भावों की संख्या है तो 33। नाटक में कितने अंक होते हैं? अनेक अंक होते हैं, अनेक अर्थात 1 से अधिक। यहाँ पर देखिए, पहला जो है वो सत्य रहेगा, दूसरा सत्य है, ठीक है, तीसरा आपका राइट रहने वाला है, और परशुराम के क्रोध से लक्ष्मण डर गए, ये असत्य बात है। करुण रस का स्थायी भाव शोक है, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो, ठीक है, वैदिक काल में सहनाई का उल्लेख नहीं मिलता है, ये आपका असत्य रहेगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ये आपका क्वेश्चन, यहाँ से मन पूरा सॉल्यूशन में अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ये क्वेश्चन नंबर 8, 9, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14